आज के इस वीडियो में हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे और ये सेंटेंसेस हम अपनी कॉन्वर्जेशन में बहुत यूज़ करते हैं। आप सुनते भी होंगे और बोलते भी होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर मेरा बस चले तो मैं उसे कभी ना जाने दूँ। अक्सर ऐसे कहते हैं ना, अगर मेरा बस चले तो मैं नौकरी अब भी छोड़ दूँ। यानी कि कोई काम है जो हमारे अख्तियार में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये काम हो जाए और उसमें हमारा बस नहीं चल रहा। तो जब ऐसे सेंटेंसेस होंगे ना, तो अगर मेरा बस चले तो, इसके लिए आप कहते हो इफ़ आई हैड माई वे, इफ़ आई हैड माई वे। ठीक है, उसके बाद जो आएगा आपका वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस आएगा। यानी दो सेंटेंस हैं, अगर मेरा बस चले तो, इसके लिए आप कहते हो इफ़ आई हैड माई वे, और फिर नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बनेगा। ठीक है, सेंटेंस देखें, अगर मेरा बस चले तो मैं उसे यहाँ से कभी ना जाने दूँ। इफ़ आई हैड माई वे, ये हो गया अगर मेरा बस चले तो, और नेक्स्ट सेंटेंस तो मैं उसे कभी ना जाने दूँ, आई वुड नेवर लेट हिम गो। लेट इसलिए यूज़ हुआ है कि हम परमिशन नहीं दे रहे उसको जाने की। आई वुड नेवर लेट हिम गो, मैं उसे कभी ना जाने दूँ। एक और सेंटेंस देखें, अगर मेरा बस चले तो मैं यहाँ से अभी चली जाऊँ। इफ़ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चले तो, इफ़ आई हैड माई वे, आई वुड लीव हेयर इमीडिएटली, मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊँ। आई वुड लीव हेयर इमीडिएटली। एक और सेंटेंस देखें, अगर मेरा बस चले तो मैं ये नौकरी अभी छोड़ दूँ। ठीक है, यानी कि मैं मजबूर हूँ नौकरी करने पर, लेकिन अगर मेरा बस चले मेरे अख्तियार में तो मैं अभी के अभी नौकरी छोड़ दूँ। इफ़ आई हैड माई वे, आई वुड क्विट दिस जॉब नाउ। इफ़ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चले तो, आई वुड क्विट दिस जॉब राइट नाउ, मैं अभी के अभी यहाँ से नौकरी छोड़ दूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं उसे सख्त से सख्त सजा दूँ। इफ़ आई हैड माई वे, आई वुड पनिश हिम सीवियरली। इफ़ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चले तो सख्त से सख्त सजा दूँ, आई वुड पनिश हिम सीवियरली, आई वुड पनिश हिम सीवियरली। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी शक्ल कभी ना देखूँ। इफ़ आई हैड माई वे, आई वुड नेवर सी योर फेस। इफ़ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी शक्ल कभी ना देखूँ, आई वुड नेवर सी योर फेस। अगर मेरा बस चले तो मैं सारी किताबें खरीद लूँ। इफ़ आई हैड माई वे, आई वुड बाय ऑल बुक्स। आई वुड बाय ऑल बुक्स, मैं सारी किताबें खरीद लूँ। इफ़ आई हैड माई वे, आई वुड बाय ऑल बुक्स, अगर मेरा बस चले तो मैं सारी किताबें खरीद लूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं ये घर खरीद लूँ। इफ़ आई हैड माई वे, आई वुड बाय दिस हाउस। इफ़ आई हैड माई वे, आई वुड बाय दिस हाउस। आपको सेंटेंसेस आप बनाइए कि अगर आपका बस चले तो आप कौन सा काम करना पसंद करोगे, आप क्या करना पसंद करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। स्पीकिंग में ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत यूज़ होता है, सेंटेंसेस को मिला के बनाया जाता है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।